अभी कुछ ही दिन से हम रिव्यू करवा रहे हैं, तो ये देखेंगे कि वहाँ पर पहले पुल में इस प्रकार की कितनी आपराधिक घटनाएँ घटी हैं। या वैसी घटना जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक न्यूसेंस होता है, तो हम लोग उसको गोला तनी समाचार बटुआरा से रिपोर्टर बानी राकेश कुमार जी। बड़ा खबर आ रहा बटुआ, सांझ के खबर हटुए। आरा में मोबाइल छिनतई के विरोध कैला पे हथियार से लैस अपराधी एगो युवक के मरले गोली। गंभीर हालत में निजी क्लिनिक में चल रहा बा इलाज, मौका पे पहुंचल बानी एसपी साहेब। खबर का बटुए, ब्रेकिंग खबर सबसे पहले भोजपुरिया समाचार पे। भोजपुर जिला के कोइलवर थाना क्षेत्र के गीधा ओपी अंतर्गत सोनघट्टा मोड़ स्थित आलू कोल्ड स्टोर के नजदीक मोबाइल छिनतई के विरोध कैला पर हथियार से लैस अपराधी एगो युवक के गोली ठोक दिहल बने। जख्मी युवक के गोली दहिना साइड सीना में मारल गई बा, जौन अंदर फंसल बा। गोली लागे से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गई बा, जरा बाद परिजन के द्वारा आनंद फानंद में इलाज खातिर आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल ले आवल गई बा, जहाँ ओकर इलाज कैल जाता। जानकारी के अनुसार जख्मी युवक कोइलवर थाना क्षेत्र के गीधा ओपी अंतर्गत सोनघट्टा गांव निवासी लाल मोहन पांडे के 19 वर्ष लड़का अमन पांडे हटुए। वो स्थानीय थाना क्षेत्र के सकड्डी स्थित दूध प्लांट में दूध पैकिंग करे के काम करेला। इन्हें अमन पांडे बतावत रहन कि सकड्डी स्थित दूध प्लांट में दूध पैकिंग करे के काम करेलन। वो रोज की तरह देर शाम भी साइकिल से वापस घर जात रहन। जैसे ही वो सोनघट्टा मोड़ स्थित आलू कोल्ड स्टोर के पास पहुँचलन, तबे अपाची बाइक पर सवार दू गो हथियार से लैस अपराधी आ गए आ पूछलें कि सकड्डी केने बा। एकरा बाद वो दोनों उनका से जबरन मोबाइल मांगे लगल। जब वो कहलें कि हमारा पास मोबाइल नहीं है, तो वो लोग कहल कि मोबाइल दो नहीं तो गोली ठोक दे जाए। एक बाद दोनों उनका से मोबाइल छीन लिहल या गोलियों ठोक दिल। गोली लागे से वो खून से लथपथ जख्मी होके जमीन पे गिर के छटपटाए लगल। जरा बाद ओजा अगल बगल के लोग देखल कि एगो लड़का गिरल पड़ल बा। जरा बाद वो लोग इलाज खातिर आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल ले आवल, जहाँ वहाँ इनका इलाज कैल जाता। वही घटना के सूचना मिलते थाना इंचार्ज प्रवीण कुमार अपन दल बल के साथ घटनास्थल पे पहुँचनी आ मामला के छानबीन में जुट गई बानी। वही इलाज कर रहा सर्जन चिकित्सक डॉक्टर विकास सिंह बतावतनी कि एगो युवक गोली से जख्मी हालत में इजाइल बा। जख्मी युवक के गोली सीना के बीचों बीच लागल बा, जौना से काफ़ी खून बह गई बा। अभी ओकर छाती के ट्यूब लगावल जा रहा बा। तत्कालीन ओकरा के 2 यूनिट बॉड ब्लड चढ़ावल जी, यानी खून चढ़ावल जी। अभी स्थिति स्टेबल बटुए, स्थिर बटुए। अभी जौन स्थिति डॉक्टर साहब बतावतनी, ये गोली लागल लड़का के स्टेबल बटुए। हालांकि अभी अभी कुछ दिन तक देख रेख में राखल जाए। तो बड़ा खबर आ रहा बटुए आरा से। रौरा सबके भोजपुरिया समाचार, परिजन के बयान सुनाई, डॉक्टर साहब का कहनी वो बयान सुनाई। यह मामला में जरा गोली लागल बटुए उनकरो बयान भोजपुरिया समाचार सुनाई। एसपी साहब के बयान सुनाई, लेकिन खबर के अंत तक देखब, खबर के छोड़ब मन। रौरा सबके बता दें कि आरा में अभी कई लगभग हफ्तों दिन एसपी साहब के अला भइल कि ना भइल, लेकिन अपराधी फिर से तांडव कर दिया। अपराध चरम पर बटुए इस प्रमुख मुद्दा रोके के, अपराध के रोके के मुद्दा एसपी साहब खातिर रही। कहे से कि आरा हमेशा सनसनी आ हमेशा वारदात खातिर एक पहले वाला एसपी साहब के समय में जानल गई बटुए। अब देखे के बटुए कि नयका एसपी साहब कितना क्राइम को कंट्रोल कर पावतनी। हालांकि अब जौन ताज़ा स्थिति बा, मोबाइल छीने खातिर गोली ठोक दिया गई। बताई अपराधी कितना चरम सीमा पर बाड़े कि मोबाइल खातिर केहू के ही निखन जानत कि ओकर जीव चल जाए। अभी जौन बटुए अस्पताल में जीवन मौत से लड़ रहा बड़न, ये जौन बड़े जरा गोली बाजल बटुए। हालांकि वीडियो भोजपुरिया समाचार नहीं के देखा, बयान सुनिए, दबा के शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहचानते हो? देखे नहीं कभी। क्या हुआ फिर? वो आगे कोल्ड स्टोर है ना, वहाँ से वो लोग जा रहा था, हम लोग आगे बढ़ गए, मुड़ गए थे। हम लोग तो पूछा कि सकंडी किधर है, कभी आगे है। तुमसे पूछा? हाँ, हम लोग आगे जा रहे थे, आगे रोक कर दो वो बोलोरो पास हो रहा था। फिर वो आगे आके रुक रहे मोबाइल लोग। मैंने कहा कि मेरे पास मोबाइल नहीं है,
कहता है कि इतना तो गोली मार देंगे, यानी कि मेरे पास नहीं है तो कहाँ से, तो एंट्री नहीं तो गए चीज के मोबाइल गोली मार दिया, मोबाइल छीन लिए, विरोध किए थे, मना कर रहे थे। हाँ बुआ रही, मेरे पास भाई मोबाइल नहीं है, मैं गरीब घर के लड़का हूँ। अच्छा, फिर भी नहीं सुना सर? नहीं। दो लोग थे ना, क्या नाम है तुम्हारा? अमन पांडे। क्या करते हैं आप? मैं दूध फैक्ट्री में काम करते हैं। गोली मारा सर? पड़ जाइए शाम में सकाजी में दूध फैक्ट्री मजूकी करने जाता है, आज भी रोज की तरह जा रहा था, तो बीच में कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर के पास दो या तीन बदमाश आए और इसको घेर लिया और इसका मोबाइल छीनने लगे, जब ये विरोध किए तो विरोध करने के पश्चात इसके ऊपर गोली चला दी, और वहाँ पर जो इस मोहम्मद इसराइल का कोल्ड स्टोर है वहाँ पर शायद सीसीटीवी लगा हुआ है, वहाँ से कुछ हमको जानकारी मिल सकती है। पहले से कोई मैंने दुश्मनी नहीं था, कोई मोबाइल छीनने वाला? हाँ, सिर्फ मोबाइल छीनने। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमन पांडे। पिताजी का नाम? श्रीलाल मोहन पांडे। घर? सोनघट्टा, गिधा थाना के अंतर्गत, अभी गिधा ओपी है और कोई और थाना है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अंकु पांडे हुआ, मेरा छोटा भाई है। ये क्या करता है? ये अभी जाता है दूध फैक्ट्री में वर्क करने। यंग लड़का है कोइलवर थाना का, राइट साइड बीचों बीच चेस्ट में उसको गोली लगी जिसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है, और एयर भी लीक होने से उसको हम लोग निमोथोरैक्स बोलते हैं, एम्फाई सीमा पूरे चेस्ट वॉल में डेवलप हो गया है, तभी चेस्ट ट्यूब डाल दिया गया है, अप्रॉक्स 700 से 1 लीटर के आसपास ब्लड उसका स्टैक निकल गया है। तो अभी जस्ट हम लोग 2 यूनिट ब्लड ग्रुपिंग करवा लिए हैं, 2 यूनिट ब्लड दे रहे हैं, पेशेंट अभी स्टेबल है बट सीरियस है, तो अभी हम लोग एडमिट रखेंगे काफ़ी दिनों तक, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। गोली लगी सर, क्या मामला सामने आ रहा है सर? अभी देखिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कि वो बच्चा अपने घर से निकल के और वहाँ दूध फैक्ट्री है उसमें जा रहा था, उसके साथ में एक और साथी था, और मोबाइल छीनने के क्रम में ऐसी जानकारी को दी गई है कि उसने नज़दीक से किसी ने गोली लगाया, तो ये एक आपराधिक घटना है और लूटपाट के दौरान की गई वारदात है, हम लोग उसी रूप में इसको ट्रीट करेंगे और इसको भी ट्रीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर परिजनों का आरोप है कि अक्सर वहाँ इस तरह की घटनाएँ होती हैं, पुलिस गश्ती नहीं कर पाती है क्योंकि वहाँ गिधा ओपी भी बनाया गया था इसीलिए, लेकिन अभी तक वहाँ कोई गश्ती नहीं होती, इस वजह से हमेशा अक्सर ऐसे करते हैं। देखिए निसंदेह है गिधा ओपी का क्रिएशन हुआ था अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से, तो क्योंकि अभी कुछ ही दिन से हम रिव्यू करवा रहे हैं, तो ये देखेंगे कि वहाँ पर पहले पुर में इस प्रकार की कितनी आपराधिक घटनाएँ घटी हैं, या वैसी घटना जिससे कि लॉ ऑर्डर और पब्लिक न्यूसेंस होता है, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे, और ऐसा यदि होगा तो उसमें जहाँ एक्शन लेने की भी बात कर रहा हूँ, हम लोग एक्शन लेंगे। अभी अपराधियों के शिनाख्त नहीं होता? अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक टीम वहाँ पे काम कर रही है हमारी टेक्निकल टीम, तो उससे कुछ आ जाएगा तो हमें देखेंगे, और यहाँ से जो भी परिजनों का जो सपोर्ट उसमें मिलेगा, क्योंकि जो साथ में थे उनके द्वारा बताया गया होलिया पर हम लोग कुछ काम करेंगे। ठीक है सर।